दौसा जिले की कोलवा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2000 रुपए की इनामी महिला आरोपी अनीता बावरिया निवासी नीम राणा को गिरफ्तार किया है। दरअसल कोलवा थाना क्षेत्र के धनावड़ गांव में अक्टूबर 2022 में एक डकैती की वारदात हुई थी। आरोपियों ने एक छोटे से बच्चे के सिर पर कुल्हाड़ी रखकर पूरे परिवार को डराया और उसके बाद डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी अनीता बावरिया लूटे हुए माल को बेचने का काम करती थी। पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल 7 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं, जिनमें 2 सुनार भी हैं जिन्होंने चोरी का माल खरीदा था। ऐसे में पुलिस इस पूरे मामले की अभी जांच कर रही है। इस मामले में अन्य आरोपियों की भी पुलिस को तलाश है। दौसा जिले की कोलवा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बावरिया गैंग की एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। अलवर जिले के नीमराणा की रहने वाली अनीता बावरिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी अनीता बावरिया पर 2000 रुपए का इनाम था। अक्टूबर 2022 में आरोपी महिला की गैंग ने एक डकैती की वारदात को अंजाम दिया था और जो डकैती में जो माल लूटा गया था उस माल को बेचने में यह महिला सहयोगी रही थी। पुलिस ने इस मामले में पूर्व में 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं, वहीं 7वें आरोपी के रूप में अनीता बावरिया को गिरफ्तार किया है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा।